अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी हजम नहीं होती। इन लोगों की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से दूसरों की जिंदगियां बर्बाद की जाएं। एक ऐसा ही दिलखराश वाकया शोबिज इंडस्ट्री में पेश आया है। संगदिल अदाकारा ने हंसता बसता घर उजाड़ के रख दिया, उसे जरा भी तरस न आया। इस वाकये की तफसीलात शेयर करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा उर्दू चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। जिन दोस्तों ने किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। अब आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। जी फ्रेंड्स, शादी करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जब ये सुन्नत अदा की जाती है तो अल्लाह ताला राजी होते हैं। लेकिन जब शादी किसी शादीशुदा खातून बल्कि बच्चों वाली खातून का घर उजाड़ के की जाए तो फिर क्या अल्लाह ताला खुश होंगे? ये कारनामा अदाकारा नहीद शब्बीर ने अंजाम दे दिया है। पहले तो किसी को मालूम ही ना था कि नहीद शब्बीर ने क्या खेल खेला है। फैंस नहीद शब्बीर को शादी की मुबारकबादें दे रहे थे, लेकिन तूफान उस वक्त बरपा हुआ जब सहाफी तंजीला मजहर ने अपनी ट्वीट में लिखा, नहीद शब्बीर ने अपने साबिक प्रोड्यूसर और सरकारी अफसर के साथ शादी कर ली है, जिन्होंने अपनी पहली बीवी और दो बच्चों को घर से निकाला है। बताया यही जा रहा है कि नहीद शब्बीर ने शादी के लिए ये शर्त रखी थी कि जब तक नोमी अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं देगा वो उनसे शादी नहीं करेगी। नोमी खान का इस शर्त के बाद अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ सलूक सख्त होता चला गया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि एक दिन नोमी खान ने बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया। वजह सिर्फ यही थी कि नहीद शब्बीर से शादी करना थी। दोस्तों, जब इस राज से पर्दा उठा तो सोशल मीडिया पर फैंस ने कमर कस ली। एक सारिफ ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इस बात का जिक्र भी होना चाहिए कि नहीद शब्बीर एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जो पहले से शादीशुदा है और इसके दो बच्चे भी हैं जिनको उन्होंने छोड़ दिया है। ताहम अदाकारा ने अब तक इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। 245 साल अदाकारा नहीद शब्बीर की शादी की तकरीबात की वीडियो और तस्वीर खूब वायरल हो रही है। नहीद शब्बीर ने अपने माइयों में सुर्ख रंग का रवायती जोड़ा जेबे तन किया। बारात में अदाकारा ने सुर्ख रंग का अरूसी जोड़ा पहना, जबकि वलीमे में वो सिल्वर रंग के खूबसूरत और बारीक गाउन में नजर आई। आमर लियाकत हुसैन की दूसरी बीवी तूबा आमर दुल्हन के साथ पेश रही। फ्रेंड्स, आपके साथ ये भी शेयर करते चलें कि नहीद शब्बीर की ये दूसरी शादी है। अदाकारा ने पहली शादी 2010 में की थी। उनके शोहर का नाम आमर मिर्जा था, लेकिन ये शादी लंबे अरसे तक ना चल सकी और दोनों में अलहदगी हो गई। नहीद शब्बीर की शादी की तकरीबात में शोबिज इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। फैसल कुरैशी और जवेरिया सऊद खसूसी तौर पर मधु किए गए, लेकिन मजाहले किसी ने नहीद शब्बीर के इस कारनामे का जिक्र तक किया हो। किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने वाली नहीद शब्बीर ने ताहाल खामोशी इख्तियार की हुई है। दोस्तों, आपसे इजाजत चाहूंगा।